हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मीन लाइफ स्टाइल। आज मुहर्रम का दिन है। मुहर्रम में बेसिकली खिचड़ा बनता है, तो मैं भी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुकर में घी डाला है और बेसिकली मैं ये घी में ही बनता है और आज मैं घी में ही बनाऊँगी। ज़्यादा टेस्ट आता है। घी में मैंने जो भी खड़े गर्म मसाले होते वो सब डाल दिए हैं। उसके बाद चने जो भिगो के रखे थे एक घंटा पहले वो मैंने डाले हैं। थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेंगे घी के अंदर। उसके बाद मैं चावल भिगो के जो रखी थी वो मैं डाल दूंगी। हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट आप डाल सकते हो, बट मैं इसमें अदरक लहसुन ना दरदरा कूट के डाला है ताकि टेस्ट अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने जितना मुझे ज़रूरत है उतना पानी डाल दिया है। थोड़ा सा नमक मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हल्दी वगैरह कुछ ऐड नहीं होता है। अगर आप पीला पीला सा बनाना चाहते हो तो हल्दी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर हरा मिर्च डाला है। ये कोलकाता स्टाइल का फेमस खिचड़ा है जो कि मुहर्रम में बनता है। और मैं कभी भी मतलब मुहर्रम में कुछ भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि बना लेते, क्योंकि चारों तरफ से इतने बिरयानी की खुशबू जो आ रही है, बच्चों को तो खिलाना ही है ना, तो इसलिए मैंने बनाया है। और ऑलमोस्ट चिकन बना हुआ रखा था, उसी के साथ ये बिरयानी एकदम मस्त लगेगा। तो इसका रेसिपी जो है आधा अधूरा सा मैंने पोस्ट किया है आज इस वीडियो में, मैंने दिखाया आप लोगों को, क्योंकि मेरा यासिन इतना परेशान कर रहा था। कुछ क्लिप्स जो है डिलीट हो गए हैं, कुछ क्लिप्स ऐसा था कि मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। तो छोड़िए वो सब बातें, नेक्स्ट किसी वीडियो में ना मैं ये रेसिपी जो है शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। शाम के टाइम मैं बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत ही लाजवाब एक मिठाई बना रही हूँ, मतलब मिठाई नहीं डिज़र्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लीटर दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध में जब उबाल आ जाएगा अच्छा खासा, तो उसके बाद इसमें ये पाउडर जो है इसको मिक्स करके डाल देना है। यह है कस्टर्ड पाउडर, वैनिला कस्टर्ड पाउडर है। इसको मैं पानी में मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं गर्म दूध में डाल दूँगी। और गर्म दूध में मैंने इलायची भी डाला है ताकि इलायची की थोड़ी अच्छी फ्लेवर आए। तो बस ये मिक्स कर लिया मैंने। अब मैं दूध में ये डालती जाऊंगी धीरे धीरे करके और इसको मिलाती जाऊंगी। इससे क्या होगा, मेरा ये जो मतलब मिल्क का जो थिकनेस है ना वो अच्छा आएगा, एकदम रबड़ी जैसा बनेगा। और बेसिकली ये रबड़ी तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन रबड़ी जैसा ये मतलब बनेगा। जब भी आपका इंस्टेंट कोई डेजर्ट खाने का मन हो, मिठाई कोई चीज़ खाने का मन हो, तो आप ये वाला रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बट कुछ लोगों का ये मानना है कि अब रेसिपी हमें भी आता है, खाना बनाना हमें भी आता है, ये सब दिखाने की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, तो आपको क्या जाता है, आपको खाना बनाना आता है तो आप मत देखिए। जिसको नहीं आता है, जिसको सीखना है वो सीखे। हम खुद अभी तक सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, इंस्टाग्राम से सीखते हैं, या फिर कुछ रेसिपी जो होते हैं आजकल मैं अपना खुद से जो है मतलब एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नई नई रेसिपी को सीखना। तो एक्सपेरिमेंट जब मैं करती हूँ, कोई भी रेसिपी अच्छा लगता है तो वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। तो बाय द वे छोड़िए वो सब बातें। यहाँ पर देखिए मैंने टोस्ट ले रखा, ये है पार्ले जी का जो टोस्ट है था ना, वो है मीठा वाला इलायची फ्लेवर वाला टोस्ट है। उसको मैंने तीन तीन करके छः मैंने टोस्ट लिए हैं। मैंने थोड़ा बनाना है इसलिए, तो उसके ऊपर से ये जो मिक्सर है इसको ना गरम गरम ही ऊपर से डाल देना है। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स क्रश करके। और ड्राई फ्रूट कटर जो है मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। गाइस क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फ्लिपकार्ट से लगातार 3 साल से मैं सामान खरीद रही हूँ, लेकिन ये वाला चीज़ खरीद के मुझे लगता है सच में कुछ खरीदा है मैंने। बहुत ही कम प्राइस है, ज़्यादा प्राइस नहीं है। और प्राइस जो है ना कभी अप डाउन होता रहता है, तो आप लिंक पे जो है क्लिक करके आप देख सकते हैं प्राइस कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो ये वाला बहुत ही अच्छा है, तुरंत एकदम कट जाता है। अगर आप छुरी से काटते हो तो इधर उधर मतलब गिर जाते हैं फ्रूट्स, लेकिन ये वाला कटर जो है ना बहुत ही मस्त है। इसको मैं अब रख दूंगी फ्रिज में, 2 घंटे बाद निकालूंगी, उसके बाद मैं बच्चों को दूंगी। लेकिन उससे पहले एक तो मैं टेस्ट करके देखूंगी कैसा लग रहा है खाने में। आई होप कि अच्छा ही लगेगा, आप लोग भी ट्राई करना। दूध में मैंने थोड़ा चीनी भी ऐड किया था, वो मैं बताना भूल गई। आप जैसे मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं उसमें, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर में तो मीठा होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो टोस्ट है इसमें थोड़ा मीठापन होता है। बाय द वे, बच्चे जैसे बड़े होते रहते हैं ना, तो उनको मनपसंद का चीज़ जैसे होता है अनहेल्दी ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे बच्चे थोड़ा डिफरेंट है। इनको ऐसे ऐसे चीज़ पसंद है जो कि हेल्दी है,
और हम भी ऐसे ऐसे चीज़ें जो है इनके लिए चुनते हैं। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोटीन वाला मैं सब्जी बनाऊंगी, जैसे कि मैं मार्केट से लेकर आई थी उस दिन। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को खिलाऊँ, यासिन को भी खिलाऊँ। और ये देखिए मैं वॉइस दे रही हूँ, मेरे पास आके ताता बोल रहा है, मतलब अकेले वो रह नहीं सकता, समझो। अकेले रूम में अगर मैं अकेली वॉइस दूंगी तो ये हो नहीं सकता, वो मेरे पास ही आएगा और वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा मेरे साथ साथ। तो मैं मशरूम लेकर आई थी, और ऐसा माना जाता है मशरूम में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है फूड। तो आज मैं मशरूम बनाऊंगी, देखूंगी मेरा यासिन खाता है या नहीं। आई होप कि वो खाएगा, क्योंकि चिकन इतना पसंद से खा रहा है, सोयाबीन खा रहा है, तो मशरूम भी खाएगा। तो इसको मैं अच्छे से पानी से, कई बार पानी से मतलब धो लूँगी, 7-8 बार, क्योंकि अभी ये गंदा बहुत आ रहा है, बारिश का सीज़न है ना, तो गंदा बहुत आ रहा है। तो इसको मैं पानी में ऐसे 1 मिनट डिप करके रखूँगी, उसके बाद ना अच्छे से वाश कर लूँगी पानी में बहुत ही अच्छे तरीके। और इसमें थोड़ा सा आप मैदा या फिर आटा डाल के अगर वाश करते हो तो एक ही बार में जो ना काफ़ी हद तक ये साफ़ हो जाता है। तो मैंने पूरा जैसे ना पानी क्लीन कर लिया है, उसके बाद मैं प्लेट में इसको काट रही हूँ। और मशरूम के अंदर ऐसे काला काला होता है, जो लोग पहले नहीं खाए हैं, नहीं देखे हैं, तो उनको लगता होगा कि यार, अरे यार इसके अंदर काला काला है, कैसे धोए, कैसे साफ़ किए, बट इसके अंदर ऐसा होता है ब्लैक कलर का, ये कुछ नहीं है, बस इसका ये टेक्चर है। तो इसको मैं बारीक बारीक इस तरीके से काट लूँगी, क्योंकि ये पकने के बाद ना और भी छोटा हो जाता है, इसलिए मैं शुरुआत में छोटा छोटा टुकड़े नहीं कर रही हूँ, 1 मशरूम को 4 टुकड़े कर रही हूँ बस। और 2-1 मशरूम बड़ा सा है, उसको मैं मतलब 2 टुकड़े 4 टुकड़े ऐसे करके मतलब कर लूँगी। और गाइस प्लीज़ आप लोग मेरा साथ रहना, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा धमकियाँ मिल रही है कि मेरे चैनल पर रिपोर्ट मारेंगे, क्योंकि मैं गलत सलत वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे तो कई एंगल से नहीं लगता मैं गलत वीडियो बना रही हूँ। आप सभी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि FHR इतना है तो बताइए बेबी बॉय होगा बेबी गर्ल होगी। मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एक का मैंने रिप्लाई दिया था कि देखिए बेबी का जो FHR है वो बेबी का हार्ट रेट का जो है ना वो होता है, बेबी का दिल की धड़कन होता है, बेबी स्वस्थ है या नहीं उसका इंडिकेट करता है, बट बेबी जेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं है मतलब। तो उन्होंने बोला अगर लेना देना नहीं है तो आपने ऐसे थंबनेल लगा के वीडियो क्यों बनाया। तो देखिए वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि अगर जैसे आप लोगों का क्वेश्चंस है कि मेरा FHR 30 है, 138 है या फिर 148 है, तो मुझे बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस है, तो वही मैं थंबनेल टाइटल पे लगाती हूँ, लेकिन डिटेल्स में इस बारे में बात मैंने वीडियो में की है। और कभी भी वीडियो में मैंने ये नहीं बताया कि 148 से ऊपर है तो लड़की होगी, 148 से नीचे है तो लड़का होगा, ऐसा लोगों का कहना है ये मैंने बताया। बट मेरा बेबी बॉय के टाइम पे अलग अलग हार्ट बीट आया था, शुरुआत में एक आया था, फिर दूसरा के फिर कुछ अलग आया था, इस तरीके से मतलब चेंज होता रहता है। लेकिन मैंने कभी भी गारंटी से नहीं बोला कि हार्ट बीट से जो है ना लड़का लड़की पता लग सकता है। जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो मैंने थंबनेल टाइटल पे लगाया है, दैट्स इट। तो इसमें मतलब मिसलीडिंग का क्या बात हुई। तो एक का कमेंट ऐसा आया था कि मैम बताइए मेरा बेबी बॉय का हार्ट रेट जो है ना 138 है तो क्या बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। तो उनको मैंने आंसर दिया था, जो भी मतलब सच्चाई है वो बताया था। तो उन्होंने बोला अगर आप नहीं बता सकती है बेबी बॉय या गर्ल तो फिर आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया, आपकी वीडियो में मैं रिपोर्ट मारूंगा, मतलब 80 ID से रिपोर्ट मारूंगा, देखते हैं आपका चैनल रहता है या फिर उड़ जाता है, आप अपना ईमेल चेक करते रहना। तो बताइए फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे इतने छोटी सी मतलब बिल्कुल छोटी सी चैनल है तब भी इसके पीछे आप पड़े हो, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब किसी का ना देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मतलब अगर मैं उनको ये बोल देती कि आपको बेबी बॉय होगा तो मुझे लगता है शायद वो खुश हो जाते। फिर मैंने उनको ना हाइड कर दिया, मैंने मेरे चैनल का जो CM है उनसे बात की, उन्होंने बोला उसको हाइड कर दो, तो मैंने उनको हाइड कर दिया, बट मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया है, इवन मेरा ईमेल ID पर भी उनका मैसेज है, मैंने रख दिया है, कभी भी मतलब इन फ्यूचर कोई भी मेरे चैनल पर दिक्कत आए तो मैं कानूनी कार्रवाई कर सकूँगी, इसलिए मैंने वो सब जो है प्रूफ मैंने रख दिया है। और इधर हमारी मशरूम की सब्जी भी बनके रेडी है।